प्रेम से बोलिए शिष्य आनंदमयी मात की। माँ से प्रश्न है, माँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता। माँ अच्छा नहीं लगने की बात ही है, क्योंकि तुम लोग तो आनंद की मूर्ति हो। खंड आनंद तुम लोगों को अपने में कैसे रख सकता है? अखंड आनंद का स्वाद तुम लोगों के भीतर मौजूद है। प्रत्येक में सच्चिदानंद का आस्वादन है और संसार में उसी आनंद की तलाश में चक्कर काट रहे हो। कभी सोचते हो कि आनंद धन में है, कभी सम्मान में है, कभी बेटा बेटी में है। इसी प्रकार एक ना एक धारणा सच्चिदानंद का आनंद नहीं दे रही है, इसीलिए शांति प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। कुछ भी स्थायी रूप में अच्छा नहीं लगता। प्रश्न करता, मां तब उपाय क्या है? मां सर्वथा नाम लो, इससे सब पाओगे। शांति मुक्ति सब कुछ नाम से प्राप्त होता है। प्रश्न करता, मां नाम करते समय मन एक मुहूर्त के लिए भी स्थिर नहीं रहता। इस प्रकार के अस्थिर मन से नाम करने पर क्या फल प्राप्त होगा? मां फल निश्चित रूप से प्राप्त होता है। नाम करते करते मन स्थिर हो जाता है। प्रश्न करता, मां जिन गुरुदेव ने मुझे दीक्षा दी है उन्होंने तो मेरी सारी जिम्मेदारी ले ली, अब मेरा उद्धार करने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। ऐसी हालत में मुझे प्रयत्न करने की क्या आवश्यकता है? मां ठीक कह रहे हो, गुरु ही सब करते हैं, तुम उनके भरोसे रहो, देखना सब ठीक हो जाएगा। पर तुम भरोसा कर कहां पा रहे हो? प्रश्न करता, मां पुरुषार्थ की क्या आवश्यकता है? अगर आप कृपा करें तो सब हो जाएगा। आपने देखा नहीं जगाई मधाई जैसे महापापी शराबी भी चैतन्य देव की कृपा से तर गए। मां उन दिनों नवद्वीप में जगाई मधाई की तरह और भी अनेक महापापी थे, लेकिन चैतन्य देव ने उन सब का उद्धार क्यों नहीं किया? उन्होंने केवल जगाई मधाई पर ही यह कृपा क्यों की? इसका एकमात्र कारण यह है कि इन लोगों ने अपने पूर्व जन्म में सुकृति अर्जन किया था। साधु भाव से जीवन यापन करने पर मुक्ति मिल जाती है। दरअसल सत या असत नाम का कुछ भी नहीं है, डूब जाना ही असली बात है। हम लोगों के दुख का मूल अहंकार है। अहम ज्ञान समाप्त होने तथा अपने कर्तृत्व ज्ञान को भुला देने पर ही मुक्ति मिल सकती है। अपने को कर्ता समझने के कारण ही दुख है। प्रश्न करता, मां अकाल मृत्यु क्यों होती है? मुक्त होने पर क्या होता है? मां माता पिता के पापों का भोग संतान को भोगना पड़ता है। इसके अलावा प्रायः जन्म पूर्ण करने के लिए भी आते हैं। प्रश्न करता, मां ब्राह्मी स्थिति किसे कहते हैं? मुक्त होना क्या है? मां ब्राह्मी स्थिति अनुभूति की वस्तु है, भाषा द्वारा उसे समझाया नहीं जा सकता, केवल आभास दिया जा सकता है। भाषा के माध्यम से आध्यात्मिक अनुभूतियां व्यक्त नहीं की जा सकती। जिसे हम लोग ब्रह्मानंद कहते हैं वह भी वास्तव में आनंद नहीं है। आनंद के रहने पर उसके पीछे निरानंद भी रहेगा। ब्रह्मानुभूति आनंद और निरानंद के बाहर की स्थिति है। ब्रह्मज्ञ व्यक्तियों के हाव भाव आनंदमय दिखाई देते हैं, पर वह आनंद नहीं है। यह भाव क्या है, यह भाषा के बाहर की बात है। मुक्ति के विषय में मां ने प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहा, एक दिन देखा आश्रम की दो गायों को चरने के लिए रस्सी खोलकर छोड़ा गया। दोनों ही उछलती हुई मैदान की ओर दौड़ गई। उन दोनों को कूदते फांदते देख मां बोली, बंधन से मुक्ति पाने पर जीव को ऐसा ही आनंद मिलता है।
प्रश्न माँ साधक को उत्साहित करने के लिए और उसके आग्रह की वृद्धि के लिए भगवान बीच बीच में क्षणिक दर्शन देते हैं। यह जो दर्शन है, क्या इसे हम प्राकृत दर्शन नहीं कह सकते? माँ, अभी अभी मैंने कहा कि जो दर्शन किया, फिर दर्शन करने को कुछ नहीं रहता। यहां तक कि दर्शन की इच्छा तक लुप्त हो जाती है, वही यथार्थ दर्शन है। पुनः मां उपदेश दे रही हैं, जिसे जो नाम अच्छा लगे उसी का जप करने पर अभीष्ट सिद्ध हो जाता है। नाम किए जाओ, देखोगे कि सभी बातें अपने आप स्पष्ट होती जा रही हैं। मेरे साथ ऐसी बात हुई है, इसीलिए दृढ़ता पूर्वक कह रही हूं। आसन, मुद्रा, प्राणायाम सब कुछ नाम से होता है। चिंतन के साथ श्वास प्रश्वास का गहरा संबंध है। नाम करते करते एक ऐसा अवसर आता है जब प्राणायाम अपने आप हो जाता है, उसके लिए अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ता। प्रेम से बोलिए श्री श्री आनंदमयी मात की।